हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी तिल का नन खटा है। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तिल का नन खटाई बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वाइट तिल 4 चम्मच लिया, 1 कप मैदा, आधा कप पीटी शक्कर, आधा कप सूजी, आधा कप बेसन, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा कप घी, 1 बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया, जो घी लिया वो ऐड कर देती हूँ, पीटी शक्कर ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट्स ऐसे फेंट लेना पड़ेगा। फेटते फेटते जब भी ऐसे क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा तभी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने का। बेसन, सूजी और जो मैदा लिया उसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके डो बना लूँगी। जो घी ऐड किया उसमें बाइंडिंग हो जाएगा, इसके लिए हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करने का। ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तभी जो वाइट तिल लिया तो आधा ऐड कर देती हूँ, अंदर ऐड कर देती हूँ और ये थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी। अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लिया। इसमें ना तो दूध ना तो पानी कुछ नहीं यूज़ होता, घी में बाइंडिंग हो जाता है। छोटा छोटा बल्स लेके अभी नान कटाई तैयार कर लूँगी। बल्स को दबाते हुए ऐसे नान कटाई बना लिया और जो तिल बचा के रखा था ऊपर से ऐसे ऐड कर देती हूँ और एक बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लेती हूँ। ऐसे ही सारे नान कटाई को बना के तैयार कर लेती हूँ, साइज एक ही रखने का, इसके लिए बल हिसाब से करने का। तिल में डिप करने का और बेकिंग ट्रे में अरेंज कर देने का। सेम प्रोसेस में सारे नान खटाई बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे नान खटाई बना के तैयार कर लिया, मैं ओवन में बनाऊंगी। ओवन को 180 डिग्री 10 मिनट्स प्रीहीट होने के लिए पहले ही रख दिया। चलते हैं ओवन की तरफ। तिल का नान खटाई 160 डिग्री में 20 मिनट्स बेक होने के लिए ओवन में रख दिया। 20 मिनट्स बाद निकलूंगी। तिल का नान खटाई बेक हो गया, अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। टेस्टी तिल फ्लेवर का नान खटाई बन के रेडी हो गया। ऐसे एक बार विंटर सीजन में ट्राई कीजिए और आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।